प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूरसंचार मानकीकरण सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को जोड़ना भारत का मिशन है। इस कार्यक्रम में 190 से ज्यादा देशों के 3,000 से अधिक प्रतिनिधि और नीति निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 950 मिलियन से अधिक उपभोक्ता इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं और उन्हें क्वालिटी सर्विसेज उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। WTSA और इंडिया मोबाइल कांग्रेस का एक साथ होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। WTSA का लक्ष्य ग्लोबल स्टैंडर्ड पर काम करना है, वहीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की बड़ी भूमिका सर्विसेज के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आज का ये आयोजन स्टैंडर्ड्स और सर्विसेज दोनों को एक ही मंच पर ले आया है। आज भारत क्वालिटी सर्विस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। हम अपने स्टैंडर्ड्स पर भी विशेष बल दे रहे हैं। ऐसे में WTSA का अनुभव भारत को एक नई ऊर्जा देने वाला होगा। साथियों, WTSA पूरी दुनिया को कंसेंसस के जरिए एम्पावर करने की बात करता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस पूरी दुनिया को कनेक्टिविटी के जरिए सशक्त करने की बात करती है। यानी इस इवेंट में कंसेंसस और कनेक्टिविटी भी एक साथ जुड़ी है। आप जानते हैं कि आज की कॉन्फ्लिक्ट से भरी दुनिया के लिए इन दोनों का होना कितना जरूरी है। टेलीकॉम को सिर्फ कनेक्टिविटी का नहीं बल्कि इक्विटी और अपॉर्चुनिटी का माध्यम बनाया। ये माध्यम आज गांव और शहर, अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटाने में मदद कर रहा है।